कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज मसाला मोमोज। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो इसमें अब डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें अब डाल देंगे हम 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, 5 से 6 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां। इसे हम कुछ देर के लिए भून लेंगे। तो अब ये थोड़ा सा भून चुका है, इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। इसे हम मिला देंगे। गैस यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 गाजर बारीक कटा हुआ, 1 छोटा सा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ और 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। सभी को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो इसे हमने थोड़ा सा पका लिया है तो अब इसमें डालेंगे 1/4 चौथाई चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। इन सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला दिया है तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच टमाटो सॉस। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। आप चाहे तो इसमें सेजवान चटनी भी डाल सकते हैं। तो ये सभी मिल चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस यहाँ पर हम फुल कर देंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। तो चलिए जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा गूंध लेते हैं। तो 1 बर्तन में हम 1 कटोरी मैदा डालेंगे। मैदा में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम गूंध लेंगे। एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूंधेंगे। आटे को ज़्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा टाइट ही रखना है। देखिए आटा गूंध चुका है तो इसे हम ढक करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं और मसाला भी ठंडा हो चुका है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब इसका हम छोटा छोटा लोई बना लेंगे। तो सभी लोई हमने तैयार कर लिया है तो इसमें से हम 1 लोई उठाएंगे और इसे हम हथेली के सहायता से इस तरह से गोलाकार हम बना लेंगे और थोड़ा चिपटा कर देंगे। अब इसे हम सूखे मैदा में लपेटेंगे और इसे हम पूरी के आकार का बेल लेंगे। न ज़्यादा मोटा रखना है न ज़्यादा पतला करना है। देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच स्टफिंग रख देंगे। थोड़ा सा और हम डालेंगे। अब हम इसके किनारों पर थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ज्वाइंट हो सके। अब इसे हम उठाएंगे और इस तरह से ज्वाइंट करते जाएंगे। और इस तरह से हम इसका मुंह ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से, इसी तरह हम सभी मोमोज तैयार कर लेंगे। तो चलिए एक और तरीके से हम आपको मोमोज मोड़कर दिखाते हैं। इस तरह से करते जाएंगे।
और इसे हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे, इस तरह से। आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए सभी मोमोज बनकर तैयार है। अब इसे हम स्टीम कर लेंगे। अब हम एक भगोने में 1.5 गिलास पानी लेंगे और इसे अब हम गैस पर चढ़ा देंगे। पानी में हम उबाल आने देंगे। अब हम एक चलनी में तेल लगा लेंगे। तो अब पानी में उबाल आ चुका है और इसके ऊपर अब हम चलनी डाल देंगे जिसमें हमने तेल लगाया है। गैस यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे और इस चलनी पे हम मोमोज डालते जाएंगे जितना इसमें आ सके। इसे हम हटा हटा कर इसमें डालेंगे। अब इसे हम ढक कर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं, गैस हम बंद कर देंगे। अब इसका हम ढक्कन हटाएंगे और इसमें से हम छलनी को निकाल लेंगे। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसके बाद इसे हम निकालेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तब इसमें से हम मोमोज को निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी मोमोज को स्टीम कर लेंगे। तो अब वेज मसाला मोमोज बनकर तैयार है। आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मोमोज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।